चिंचोली इलेक्शन के लिए आप कैंपेन के लिए है सर, क्या लग रहा है आपको चिंचोली में, क्या रिजल्ट? चिंचोली में कांग्रेस पर पार्टी जो कैंडिडेट हमारा सुभाष राठौर, वो निश्चित तौर से कम 25-30 हज़ार के बहुमत से चुन के आएगा। वहाँ पे जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो दो बार हमारा पार्टी से चुना चुन के आके, जो उनका एहसान था धर्म सिंह साहब और खड़गे साहब, वो जब सरकारी नौकरी पे थे डॉक्टर बन के, उसको ले के आके एक उम्मीद रख के वो अच्छा काम करेगा, लेकिन उन्होंने जो उम्मीद ज़्यादा होने के लिए जो किया वो एंटायर डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये प्रजापुरुष व्यवस्था में उन्होंने अपने आप को, मैं बोल नहीं सकता, लोग बोल रहे हैं, वो आसे सब लोगों को, चिंचोली लोगों को 5 वर्ष उनको इलेक्ट किया था। वो बीजेपी का जो हमेश है वो हमेशा षड्यंत्र में भागी होके सब लोगों को धोखा दिया है। और कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, किसानों के लिए अभी रेशन कार्ड समझो, वह पेंशन समझो, ये सब कुछ काम भी कांग्रेस ने किया है। 72 हज़ार किसानों का कर्जा माफ किया था सिद्धरामैया जी ने, अन्न भाग्य, क्षीर भाग्य, कृषि भाग्य, माइन, तब इरिगेशन मिनिस्टर था, 50 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा किया। यहाँ पे बेनीतोरा, लोअर मुलामारी, अपर मुलामारी, गंडोरी नाला, सन्नति, हमारे अमरजा और तुम्हारा बसु कल्याण का जो ताला भरने का है, और बीदर में हमारा सब कुछ, यहाँ पे ये जोन पे हम 2000 करोड़ रुपए सेंक्शन किया है, काम भी चल रहा है। सो ये सब बोझा जो है और उमेश यादव की जो हरकत है, लोग बोलते हैं वहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग वहाँ पे बोलते हैं 50 करोड़ को वो अपने आप को भेजा है करके। इसका रिप्लाई कल शोभा करंदाजे ने दिया सर के, उनके बाप दादा के पास से ही उनके पास पैसा है, कांग्रेस बिला वजह के एलिगेशन। शोभा करंदाजे जब साहब जाके ये मेरा, मैं जो लोगों से सुना हूँ, मैं जब हम समावेश करता है तो लोग बोलते रहता है 50 करोड़ रुपए को अपने आप को भेज दिया करके। अगर शोभा करंदाजे को कन्विंस करना है तो मेरे को कन्विंस करने का नहीं है, वो जाके वोटर्स है ना, उनको बोलने दो 50 करोड़ नहीं लिया, 50 करोड़ नहीं लिया करके वो कैंपेन करने दो, घर घर जाके शोभा करंदाजे जी को बोलने के लिए बोलो, उमेश यादव 50 करोड़, लोग बोल रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोला उसके लिए। मैं मेरा शोभा करंदाजे जी से एक सलाह है, वो हर एक घर के जाके हमारा कैंडिडेट उमेश यादव जी ने है 50 करोड़ लिया या नहीं लिया करके वो जो समझाइशी घर घर डोर टू डोर कैंपेन करने दो। तो गुलबर्गा और चिंचोली का क्या रिजल्ट रहेगा सर आपके हिसाब से? गुलबर्गा तो हमारा खड़गे साहब देश का नेता है, सिर्फ राज्य का नहीं देश का नेता है, और अब और उनका जो कंट्रीब्यूशन है हैदराबाद कर्नाटक को 371J, पहला जब आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो होम मिनिस्टर था, तो वो काम नामुमकिन होना को बोला था तो उसको मुमकिन किया, जो काम इम्पॉसिबल करके बोला था उसको पॉसिबल करने के लिए करके सब, उसकी वजह से ये बात, ये एरिया को डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे एडमिशन मिलता है, रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये डेवलपमेंट होता है, हॉस्पिटल, रेलवे, इतना सब कुछ काम करके साहब ने किया है। तो सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी? अमित शाह तो कह रहे हैं इस बार वापस मोदी सरकार आएगी, हमारा क्या नाम क्या बता रहे? हमारा एक तो राहुल गांधी का हमारा कांग्रेस के लीडरशिप में, तो वहाँ एक सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर्म